दिव्यांगों के बैंक खाते में आने लगे 1500-1500 रुपए। मोदी सरकार सभी दिव्यांगों के बैंक खाते में पैसा डाल रही है। नई साल के आने से पहले दिव्यांगों के लिए तोहफा दिया जा रहा है ताकि वो खुद का खर्च चला सके और हर महीने उनको ये पैसा दिया जाएगा। तो किस किस के खाते में पैसा पहुंचा है, किसके खाते में नहीं पहुंचा है और इसकी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। आप अपना नाम लिस्ट में कैसे चेक कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस योजना के बारे में जानकारी हासिल कर सकें और इसका लाभ उठा पाए। दोस्तों चैनल पर नए हो तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को किस प्रदेश के जिले से देख रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रदेश का नाम, अपने जिले का नाम जरूर लिख दें ताकि हम आपके प्रदेश में, आपके जिले में चल रही एक से एक बड़ी सरकारी योजना के बारे में आपको नई नई अपडेट देते रहें। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे। इसका लाभ केवल दिव्यांगों को ही मिलेगा जिन दिव्यांगों के पास आईडी कार्ड और जिन्होंने अपना पहले से किसी भी बैंक में जीरो बैलेंस या सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है। साथ ही साथ जिनको किसी भी सरकारी योजना का लाभ मिलता है या किसी पेंशन योजना का लाभ पहले से मिलता है, उन सभी दिव्यांगों को इसका लाभ दिया जाएगा और इसी महीने में ये पैसा आपके खाते में आ जाएगा। सभी दिव्यांगों को पैसा मिलेगा, काफी सारे खातों में ये पैसा पहुंच चुका है और इसकी लिस्ट भी जारी हुई। तो आपको क्या करना होगा, आप अपना नाम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले आपको अपने फोन में क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा। तो चलिए दोस्तों यहां पर मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया। फिर इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों, इसमें आपको लिखना होगा दिव्यांग पेंशन लिस्ट 2022। अगर आप किसी दूसरे राज्य से हैं तो अपना नाम डाल सकते हैं यहाँ पर। अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं। जिस भी राज्य के रहने वाले हैं अपने राज्य के नाम से यहाँ पर जांच सकते हैं कि आपको पैसा मिला है नहीं मिला है। तो चलिए दोस्तों मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर दोस्तों क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा, कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे फिर से एक नया पेज आपके सामने यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर अब दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेंगे जनपद, जो भी आपकी जनपद है, यहाँ पर कुल मिलाकर 75 जनपद हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप यहाँ पर जनपद, कोई भी जो भी आपकी जनपद है, आप अपने जनपद के हिसाब से चुन सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर कोई एक जनपद सिलेक्ट करता हूँ दोस्तों। मैंने यहाँ पर एक जनपद पे जैसे ही क्लिक किया था, नया पेज फिर से ओपन हो गया है। अब आपको ऑप्शन दिखेगा ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ पर आपको विकासखंड चुनना। अगर आप नगर निकाय या शहरी क्षेत्र से रहने वाले हैं तो आपको नीचे वाला सेकेंड ऑप्शन चुन लेना होगा, अन्यथा आपको अगर गाँव के रहने वाले हैं तो आपको अपना विकासखंड चुनना होगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर कोई एक विकासखंड चुन लेता हूँ दोस्तों। जैसे ही विकासखंड पे क्लिक करेंगे फिर से एक नया पेज ओपन होगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो अब ऑप्शन आएगा ग्राम पंचायत का, जो भी आपकी ग्राम पंचायत है आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर कोई एक ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ग्राम पंचायत पे क्लिक करेंगे दोस्तों फिर से एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या, बस इतना करना होगा दोस्तों, यहाँ पर जो ब्लू कलर में आपको लिखा दिखाई दे रहा है इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फिर से एक नया पेज ओपन होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है और नया पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो ये काफी सारे लोग हैं जिनको पैसा मिल चुका है। ये यहाँ पर देख सकते हो दानवीर हैं, गोमती देवी हैं यहाँ पर इन लोगों को, और जयसराम है, इनको ये 1500-1500 रुपए मिल चुके हैं। लिस्ट भी जारी पूरी आपके सामने यहाँ पर है। लगभग कुल मिलाकर 12 लोग हैं जिनको यहाँ पर पैसा मिल चुका है और इस महीने में जल्द से जल्द सभी दिव्यांगों के खाते में पैसा डाला जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने घर बैठे अपने फोन से अपने नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी रिश्तेदार, कोई भी पड़ोसी दिव्यांग है जिनको पैसा नहीं मिला तो उनका भी नाम इसी तरह चेक कर सकते हैं। दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट जानकारी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।